गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा हिपेटोमेगेली। हिपेटोमेगेली मींस सिंपली इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। तो इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एक्चुअल में ये कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है या स्पेसिफिक डिजीज नहीं है सिस्टेमिक, बट ये कई डिजीजेस के परिणाम स्वरूप होने वाला एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का साइन है। नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ हिपेटोमेगेली आप किसी पर्टिकुलर डिजीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके पीछे कई कारण रहेंगे, कई कंसिक्वेंसेस रहेंगे जिसके कारण हिपेटोमेगेली होता है। तो हमें बैक में जाना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हिपेटोमेगेली के कारण क्या है। उन कारणों के आधार पर हम ये कर पाएंगे। तो हिपेटोमेगेली मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर। इट्स ए नॉन स्पेसिफिक मेडिकल साइन हैविंग मेनी कॉजेज विच कैन ब्रॉडली बी ब्रोकन डाउन इनटू इन्फेक्शन, हेपेटिक ट्यूमर्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड बैक प्रेशर थ्योरी। कारणों के पीछे, कारणों को खोजने के लिए हमें इसके उन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा कि जो फंक्शन लीवर करता है, यानी कि लीवर एक तो रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू है, मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है और बहुत से अन्य काम करता है, और उन कामों के अंदर, उन फंक्शंस के अंदर डिस्टर्बेंस आती है तो ये लीड टू करेगा हिपेटोमेगेली की तरफ। तो कुछ इन्फेक्शन होंगे, हिपेटिक ट्यूमर्स होंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमें इनके ऊपर फोकस करके हमें बैक कॉज फाइंड आउट करने पड़ेंगे हिपेटोमेगेली के, तब हम कुछ जाकर डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नतीजे पर पहुंच पाएंगे। इट रिक्वायर्स टू डायग्नोज द पॉजिटिव कंडीशंस। लीवर हैव प्लेंटी ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज, देयरफॉर ऑल डिजीजेस, वो ऑल सभी रोग अफेक्टिंग दिस टिश्यू आर रिलेटेड टू इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। यानी कि रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू होने के कारण इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो इम्पेयरमेंट देखने को मिलेंगे उनके कारण हिपेटोमेगेली होगी। एंड सेकेंड वाज ये, लीवर हैज परफॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन इन द बॉडी, द डिस्टर्बेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कुड आल्सो कॉज इट्स इनलार्जमेंट। यानी कि मेटाबॉलिक फंक्शन के अंदर जब डिस्टर्बेंस आएगी तब लीवर के अंदर कई आपको ये डिरेंजमेंट या ये देखने को मिलेगा, हिपेटोमेगेली के रूप में लीवर शो करेगा। लीवर इज प्रोन टू मेनी इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ न्यूरोप्लास्टिक सेल्स। लीवर प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, इन्फेस्टेड, हालांकि टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। हमारी बॉडी का चेकअप ऐसा पॉइंट है जहां हमारे द्वारा लिए गए तमाम तरह का आहार जीआईटी से ब्लड के अंदर जाने से पहले लीवर के थ्रू होके गुजरता है। तो ये उसकी साइट है, ये उसको टॉक्सिन से रिमूव करता है, पर कभी कभार ये खुद भी इन्फेक्टेड होता है। और इम्प्लांटेशन ऑफ न्यूरोप्लास्टिक सेल्स, और न्यूरोप्लास्टिक सेल अगर इम्प्लांट हो गई है, इनके अंदर कोई आउटग्रोथ बनने लगी है जो कि पोर्टल सर्कुलेशन से या बिली डक्ट सिस्टम से अगर कोई इन्फेक्शन मिला है तो ऐसे में ये सिनेरियो सामने आ सकता है। मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हिपेटोमेगेली कंसिस्ट ऑफ, ये दो तीन चीजें हैं। इसके अंदर वास्कुलर स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा और डिपोजिशन होगा। तो ये दो तीन तरह की चीजों से होकर हिपेटोमेगेली डेवलप होगी। यानी कि नॉन हिपेटिक सेल्स लाइक नियोप्लाज्म, अगर लीवर के अंदर हिपेटोसाइट्स के अलावा नॉन हिपेटिक सेल्स का डिपोजिशन हो या बनना शुरू हो, जैसे नियोप्लाज्म या मेलिग्नेंट ट्यूमर्स वगैरह, बिनाइन ट्यूमर या मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, अगर वो बनने लगे तो वो एक कारण बनता है। इंक्रीज सेल कंटेंट, सेल कंटेंट इंक्रीज करे, जो लीवर के सेल कंटेंट हो वो इंक्रीज करे, वो इंक्रीज ऐसे कर सकते हैं कि आयरन इन हिमेटोक्रोमेटोसिस और हिमोसिट्रोसिस। हिमोसिट्रोसिस और हिमोक्रोमेटोसिस ये वो कंडीशन है कि आयरन, अगर स्टोर्ड फॉर्म का आयरन अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो उसे हिमोसिट्रोसिस कहते हैं। और अगर ये स्टोर्ड आयरन की बढ़ी हुई अवस्था जब टिश्यू डैमेज करने लगे तब इसे हिमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। तो ऐसे में ये लीवर इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। और कॉपर इन विल्सन डिजीज है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर लीवर के अंदर कॉपर का डिपोजिशन होने लगता है।
और फैट डिपोजिशन होने लगे लीवर के अंदर तो भी ये लीवर इनलार्जमेंट देखने को मिलती है। कॉजेज क्या है, कॉजेज की कुछ बातें हमने कर ली। अगर हम देखें तो बैक प्रेशर की थ्योरी से इनलार्जमेंट हो सकता है, नियोप्लास्टिक से, इन्फेक्टिव से, बिलियरी सिस्टम की कमी की खराबी से, गड़बड़ से, या कोई भी डिजीज से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से, किन्हीं ड्रग्स के कारण, और कोई कंजनाइटल डिसऑर्डर और कुछ अन्य कारणों की वजह से ये ऐसा हो सकता है। तो अब हम वन बाय वन कुछ एक एक देखने की कोशिश करते हैं। बैक प्रेशर थ्योरी क्या कहती है कि अगर वीनस प्रेशर बढ़ता है तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, लंग्स हैं, हार्ट है, और साथ के अंदर ये लीवर है। इंटरकनेक्शन होने के कारण अगर एक जगह कंजेशन होता है तो इसका इम्पैक्ट दूसरे ऑर्गन पर पड़ता है। तो ऐसे में अगर वीनस प्रेशर ऊपर जाता है तो लीवर फर्स्ट ऑर्गन है जो कि इनलार्ज करता है। जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अगर देखें तो कंजेशन हार्ट में कंजेशन की स्थिति में बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का बैक फ्लो होता है हेपेटिक वेन्स में, और हेपेटिक वेन्स के अंदर ब्लैक ब्लैक बैक फ्लो होने से लीवर के अंदर कंजेशन होकर लीवर का इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। अब देखें कि एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कहीं जगह कहीं थ्रोम्बोसिस बनते हैं, थ्रोम्बोसिस लेग वेन के अंदर बने या एट्रियम के अंदर बने, वो थ्रोम्बोसिस वहां से डायनामिकली कोई ऐसे चेंजेस वहां आए और वो थ्रोम्बस वहां से डिटैच हो जाए और एम्बोलस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चलने लगे, और इसे एम्बोलिज्म कहते हैं। और एम्बोलस कहीं जाकर जैसे लंग्स में जाकर अगर एम्बोलाई अगर वहाँ एक्यूमुलेट हो गए तो जैसे राइट वेंट्रिकल में और स्टेसिस ऑफ ब्लड कॉजेस कंजेशन इन द लीवर, तो ऐसे के अंदर जब लंग्स के अंदर कंजेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट हार्ट पर और अल्टीमेटली फिर लीवर पर पड़ता है। तो ये प्रेशर थ्योरी है जिसके कारण अगर फर्दर ऑर्गन के अंदर अगर कंजेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे ऑर्गन पर पड़ता है। सेकेंड वन इज इन्फेक्टिव, हेपेटिक। इन्फेक्टिव के अंदर सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो हेपेटाइटिस है, यानी कि हेपेटाइटिस ए बी और सी ये सबसे बड़ा ग्रुप है। देन लीवर एब्सेस, देन थर्ड वन इज अमीबिक इन्फेक्शंस। ये एक कॉमन रूप से पाए जाने वाले ऐसे इन्फेक्शन है, इन्फेक्टिव ग्रुप है जिसकी वजह से लीवर के अंदर इनलार्जमेंट या इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और कुछ माइनर हैं जैसे कि मलेरिया, हाइड्रेटेड सिस्ट, कोई सिस्ट उसके अंदर बन गई हो, लीवर के अंदर कोई सिस्ट और वो बन गए हो जिसकी वजह से उसका इनलार्जमेंट होता हो, तो लेप्टोस्पायरोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस आदि इस तरह के कुछ कारण हैं जिसके अंदर मेन मेन हेपेटाइटिस, लीवर एब्सेस और अमीबिक इन्फेक्शन है। अब आता है नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक का मीन्स कोई अनवांटेड आउटग्रोथ जो कि होमोलोगस नहीं है बॉडी के लिए, अनवांटेड आउटग्रोथ है, जैसा कि मेटास्टेटिक ट्यूमर हो, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो, माइलोमा, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया आदि इस तरह की कंडीशन में अगर लीवर के अंदर ये बनते हैं तो लीवर में इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। तो एक ये कारण, कैंसरस या बिनाइन भी हो सकता है नियोप्लास्टिक, अगर बिनाइन हो या मेलिग्नेंट हो कुछ भी हो तो ऐसे में लीवर का इनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। बिलियरी सिस्टम, अब बिलियरी सिस्टम जो लीवर से बिलियरी सिस्टम नीचे जीआईटी की तरफ जाता है, उस बिलियरी सिस्टम में किसी प्रकार का अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो फिर बाइल वापस रिगर्जिटेट करता है लीवर की तरफ, क्योंकि लीवर से चलता है कंजुगेटेड बिलरुबिन, बाइल, बाइल साल्ट, एसिड और बाइल के रूप में ये बिलियरी सिस्टम के थ्रू नीचे जीआईटी में आता है। तो जीआईटी में अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन है तो बाइल रिगर्जिटेट करेगा, वापस लीवर की तरफ जाएगा एंड देन लेटर ऑन ब्लड की तरफ जाएगा। तो जब लीवर के अंदर पहुंचेगा तो लीवर के अंदर कंजेशन होगा जिसकी वजह से हिपेटोमेगेली देखने को मिल सकती है। जैसे इसमें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, गाल स्टोन्स है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है। तो गाल स्टोन आप अच्छी तरह परिचित हैं, गाल स्टोन अगर जाके कहीं सीबीडी में या कहीं भी अटक जाए तो बाइल आउटफ्लो नहीं कर पाता। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस यानी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं जो डायरेक्टली बिलियरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण ये सारा ट्रैक नहीं रह पाता, वैसा उस डिस्ट्रॉय होने से
बाइल ड्रेन नहीं कर पाता जीआईटी में, और बाइल ड्रेन नहीं कर पाता तो ये रिगर्जिटेट करता है। देन प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस मेल्स में देखने को मिलता है अमूमन, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये भी करीब करीब ऐसा ही है, स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, यहाँ भी स्क्लेरोसिस होता है बाइल आउटफ्लो के अंदर, ये जो बाइल डक्ट सिस्टम है उसके अंदर स्क्लेरोसिस होता है, और ये भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है जिससे बाइल बाइल का आउटफ्लो नहीं हो पाता। देन मेटाबॉलिक कॉजेज की बात करें तो हीमोक्रोमेटोसिस, फर्स्ट वन इज हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस जो कि उनमें, अगर मैंने वहां भी आपको बात बताई थी कि आयरन का डिपोजिशन बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा हो, तो इस कंडीशन को जो कि टिश्यू डैमेज करता हो, इसमें लीवर में भी हो सकता है, अन्य ऑर्गन के अंदर भी आयरन का डिपोजिशन देखा जाता है, होता है। विल्सन्स डिजीज, विल्सन्स डिजीज के अंदर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर उसमें कॉपर एक्यूमुलेशन लीवर के अंदर होता है जिसकी वजह से हिपेटोमेगेली देखने को मिलती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, इसमें फैट का डिपोजिशन होता है लीवर के अंदर जिसकी वजह से इनलार्जमेंट होता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, इसके अंदर ये एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी के कारण होने वाला रोग है, तो एबनॉर्मल अमाउंट के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर करता है लीवर के अंदर जिसकी वजह से ये हिपेटोमेगेली देखने को मिलती है। अब है ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स, कुछ ड्रग्स हों, टॉक्सिन और केमिकल्स हों, उनकी वजह से भी ये लीवर इनलार्जमेंट या इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। जैसे अल्कोहल अब्यूज है तो अल्कोहल के कारण लीवर सेल्स इन्फ्लेम करती हैं, फैट डिपोजिशन होता है और स्कारिंग होती है हेपेटोसाइट्स में ड्यू टू अल्कोहल के कारण। ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, ड्रग के कारण क्या होता है कि कुछ ड्रग हमने यहाँ मेंशन की है जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, आइसोनियाज़िड ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एस्प्रिन और ऑगमेंटिन, ऑगमेंटिन ये इन ड्रग्स के कारण भी ये देखने को मिलता है लीवर इनलार्जमेंट। टॉक्सिक हेपेटाइटिस, तो कुछ टॉक्सिन्स की वजह से भी हेपेटोसाइट्स इन्फ्लेम कर जाती है जिसके अंदर सबसे कॉमन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कभी फ्यूम्स के बॉडी के अंदर चले जाने से, लंग्स में चले जाने से और बाद के अंदर ये इन्फ्लामेशन लीवर के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। कंजेनाइटल कॉजेज में बात करें तो कंजेनाइटल कॉजेज में हिमोलिटिक एनीमिया, सिकल सेल डिजीज और पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज। हिमोलिटिक एनीमिया यानी कि एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, जब आरबीसीज का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है तो आयरन और अन्य कई कंपोनेंट रिलीज होते हैं, और जो कि उसके अंदर लीवर भी जो कि रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू है तो ये सिस्टम स्प्लीन के साथ साथ लीवर में भी होता है, तो लीवर के अंदर आयरन का स्टोरेज ज्यादा होने की वजह से लीवर इनलार्ज हो सकता है। ऐसा ही सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज में जो सिकलिंग होती है आरबीसीज की, वो सिकलिंग के कारण वो आरबीसी अपना लाइफ स्पान पूरा 120 दिन का नहीं कर पाती और जरूर समय से पहले रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर अटक जाती हैं, जिसको मैक्रोफेज के द्वारा दूर करके उसको डिग्रेड किया जाता है। तो ये भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम रिलेटेड ही डिसऑर्डर हो गया। देन पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज, लीवर के अंदर कोई सिस्ट बनने लगे, तो सिस्ट बनने लगे तो लीवर के अंदर मल्टीपल टाइप की सिस्ट बन जाए जिसकी वजह से लीवर का इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। अब डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस डिपेंड करेगा, डायग्नोसिस के लिए थोरली मेडिकल हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री लेनी होगी उसकी, मेडिकल हिस्ट्री। सिर्फ एक स्प्लिनोमेगेली या इपेटोमेगेली के बिहाव पर आप किसी बात का अंदाजा नहीं लगा सकते, आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, मेडिकल हिस्ट्री लेनी होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा, एसोसिएटेड एबनॉर्मेलिटी देखनी होगी कि इसके साथ एसोसिएटेड और डिजीजेस क्या हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। एंड देन फाइनली आप लैब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम इसको फुल्ली डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये किस डिजीज के कारण होने वाली हिपेटोमेगेली है। देन इसके बाद फिर सबसे बड़ा ग्रुप आता है यूएसजी का, यूएसजी ऑफ द लीवर। तो यूएसजी के थ्रू हम अच्छी प्रकार से पता लगा सकते हैं कि लीवर कितना इनलार्ज है, कितना फिंगर इनलार्ज है, क्या पोजीशन है, ये यूएसजी के थ्रू बड़ी आसानी से हमें पता लग जाता है।
देन हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। तो ब्लड टेस्ट के अंदर मेनली लीवर फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट के थ्रू हिपेटोसाइट्स की फंक्शनिंग का पता लगाया जाता है। बिलीयरी डक्ट सिस्टम के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है इसका पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार के ब्लड टेस्ट के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि ये हिपेटोसाइट्स की क्या कंडीशन है, इन्फ्लेम्ड है या नहीं है, या बिलीयरी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है या इन्फ्लेम्ड है या स्वेलिंग है। इस प्रकार की पिक्चर जैसे कि SGOT, SGPT, ये हिपेटोसाइट्स के बारे में आपको सूचना देंगी। सीरम एल्काइन फास्फेटेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज और 5-न्यूक्लियोटाइडेज, इनकी सहायता से हमें ये पता लगेगा कि बिलीयरी डक्ट सिस्टम के अंदर किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई स्वेलिंग या कोई ऑब्स्ट्रक्शन या वहाँ है या नहीं। देन फाइनली कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी। सीटी कैन हेल्प टू ऑब्टेन एक्यूरेट एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ ए कंप्लीट डायग्नोसिस। ये फाइनल डायग्नोसिस है। सीटी स्कैन के थ्रू क्लियर कट एक्यूरेट एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन उसकी पता लगाई जा सकती है कि क्या सिनेरियो है। थैंक यू। अब हमारी बात खत्म होती है। ये आप इसके बारे में कोई कभी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब हम कभी क्लासेज में मिले। ओके, थैंक यू।